हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। आज के दिन जन्मे जातकों को हमारी ओर से उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे बात करने वाला हूं आपके दैनिक राशिफल के विषय में। और दैनिक राशिफल से पहले आपको जानकारी देंगे पंचांग के विषय में। ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों ही दिनांक 14 सितंबर सन 2021 दिन मंगलवार और संवत 2078 का है। हिंदी का महीना चल रहा है भाद्रपद, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र ज्येष्ठा, प्रातः 7:05 तक। उसके पश्चात मूल नक्षत्र आरंभ होगा। योग आयुष्मान, करण बव और राशि वृश्चिक, और चंद्रमा प्रातः 7:05 पर आज धनु राशि में कर जाएंगे प्रवेश। और आज राहु काल का समय रहेगा शाम 3:27 से लेकर शाम 4:59 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर 12:46 तक। और गंडमूल प्रातः 5:55 पर समाप्त होंगे। आज श्री राधा अष्टमी भी है साथियों। तो ये था जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के विषय में। और ये दैनिक राशिफल जो है ये पूर्ण रूप से गोचर में ग्रहों की जो वर्तमान में स्थिति चल रही है उसी के ऊपर आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। तो बताना चाहेंगे कि नए कार्य जो भी आज आप आरंभ करना चाहते हैं उसके लिए दिन आपके लिए ये बहुत ही शुभ है। आप नया कार्य कोई भी आरंभ कर सकते हैं आज के दिन। गुण विद्या तथा रहस्यमयी विषयों को जानने समझने का भी आज आपके द्वारा प्रयत्न जो है वो किया जा सकता है। आज आपकी जो एक तरीके से इच्छा है, रुझान इस ओर भी बढ़ सकता है। आप अपनी वाणी और व्यवहार को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में रखिएगा। व्यवहार भी किसी के साथ करें तो अच्छा करें, और बात किसी के साथ करते हैं तो भी सोच समझ के करें। यही आपके आज के दिन हित में रहेगा। दोपहर के बाद नए कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। जैसा हमने कहा, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा आज के दिन, और व्यवसायिक स्थलों पर संभल कर चलिएगा। अगर आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं तो वहां आपको बहुत संभल करके रहना है। संतानों के विषय में भी थोड़ी दुविधा बनी रहेगी आपके मन में संतान को लेकर। अब उपाय क्या किया जाए? उपाय करें पारिवारिक जीवन की, अगर आप सुख शांति चाहते हैं अपने, तो उसके लिए चांदी की कटोरी में सफेद चंदन, कपूर और सफेद पत्थर का एक टुकड़ा छोटा सा डालकर अपने बेडरूम में रख लें। यही आपके लिए उपयुक्त उपाय है। शुभ रंग आपके लिए है गुलाबी, और शुभ अंक आपके लिए बनता है 1, यानी कि 1। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। दिन का प्रारंभ आज आपका काफी मनोरंजन के तौर पर रहेगा। आरंभ होगा आपका मनोरंजन, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो दिन की शुरुआत है वो बहुत ही आनंद पूर्वक ढंग से होगी। मित्रों के साथ आपकी भेंट होगी, अन्य व्यक्ति भी आज आपके जीवन में आ सकते हैं। पर्यटन पर जाने की योजना, कहीं घूमने फिरने की बन सकती है, और उस पर आप एक तरीके से योजना को कार्यान्वित भी कर सकते हैं, यानी कि जा सकते हैं कहीं भी इस तरीके की जगहों पर। परंतु दोपहर के बाद थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज अपनी भाषा का दुरुपयोग ना हो जाए इस बात का रखना होगा आज आपको ध्यान, नहीं तो कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। और उन ऐसे शत्रुओं से आप सावधान रहें जो आपके सामने आपके मित्र बनने का
एक तरीके से ढोंग करते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। ऐसे शत्रुओं से सावधान रहने की आपको है आवश्यकता। स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना होगा। आध्यात्मिक विषयों में थोड़ा सा आपका रुचि बढ़ेगा। उपाय आपके लिए बनता है, पारिवारिक जीवन को अगर आप अपने खुशहाल रखना चाहते हैं तो उसके लिए भैरव जी के सामने दीप दान करें, दीपों का दान करें। शुभ रंग आपके लिए है भूरा, शुभ अंक आपके लिए 4 यानी के 4। मिथुन राशि यानी के जेमिनी साइन। तो साथियों, आज आपका दिन मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है, उसका आप आनंद लेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा और आपके अपने ऑफिस में, कार्यालय में जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनका भी सहयोग प्राप्त करेंगे आप आज। मित्रों के साथ कहीं आप घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं या फिर कहीं घूमने फिरने जा भी सकते हैं। और आज आपको अपनी रुचि का भोजन, जिसको आप पसंद करते हैं, अपनी पसंद का भोजन खाने का मौका मिलेगा। उपाय आपके लिए बनता है, केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े में बांध लें और अपने पास रखें। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, शुभ अंक आपके लिए है 2 यानी के 2। कर्क राशि यानी के कैंसर साइन। प्रतिकूलता में भी आप परिश्रम पूर्वक कार्य करेंगे, यानी कि परिस्थितियां आपके विपरीत भी होंगी तब भी आप अपनी मेहनत में, परिश्रम में कोई कमी आने नहीं देंगे आज के दिन। और उसी के कारण आप परिस्थितियों को अपने वश में कर सकते हैं। आपके जो रोग हैं वो आज आपको कुछ परेशान कर सकते हैं, विशेष रूप से जो पेट संबंधित विकार हैं। विद्यार्थियों को विद्याभ्यास में सफलता मिलने वाली है, परंतु दोपहर के बाद परिस्थिति थोड़ी अधिक अनुकूल हो जाएंगी। स्वास्थ्य भी आपके जो है वो उसका सुधार होगा स्वास्थ्य में, और मानसिक रूप से भी आप काफी स्वस्थ रहेंगे। कार्यालय में आपके बहुत अच्छा एक वातावरण आपको मिलेगा कार्य करने के लिए, और आपके जो पूरे पुराने पेंडिंग कार्य हैं वो भी आज पूरे आपके द्वारा किए जा सकते हैं, और आप अपने जो कंपटीटर्स हैं उनसे भी आप आगे रहेंगे, वे आपके एक तरीके से आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। उपाय क्या करें, केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े में बांध लें और अपने पास रख लें। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून और शुभ अंक आपके लिए बनता है 5 यानी के 5। सिंह राशि यानी के लियो साइन। आज का दिन बहुत ध्यान से चलने का है, बहुत सावधानी पूर्वक। मानसिक रूप से तनाव रह सकता है आज आपको, और शारीरिक रूप से भी थोड़ी सी अस्वस्थता बनी रहेगी। साथ साथ परिवारजनों के साथ किसी बात पर कोई वाद विवाद भी हो सकता है। ऐसे समय में अगर आप संयम बरतेंगे, पेशेंस से काम लेंगे तो ये आपके लिए अधिक हित में रहेगा। आपके आज आपको धन की भी और मान सम्मान की भी हानि हो सकती है। संतान के विषय में थोड़ी चिंता बनी रहेगी, संतान को लेकर के बौद्धिक चर्चा से आपको रहना होगा दूर। कोई भी इस तरीके की डिबेट या कोई भी डिस्कशन आज उनसे सबसे दूर रहें, आप अपने आप को दूर रखें। दिन आपका जो है, वरना अगर आपने ऐसा नहीं किया तो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी से भरा हो सकता है। धन संबंधित आयोजन के लिए समय अनुकूल है। आप कोई भी ऐसी योजना अगर आपके पास है कि जिसमें धन कमाने के आपके पास मौके हैं तो उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन पर कार्य कर सकते हैं, उसके लिए समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है।
उपाय है आपके लिए, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। अगर ऐसा करेंगे तो नौकरी या व्यापार में उन्नति करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है, शुभ अंक आपके लिए है 3 यानी के 3। कन्या राशि यानी वर्गो साइन, आज आपको लाभ और आपके भाग्य उन्नति का योग बन रहा है। बंधु जो है, आपके भाई बंधु जो है और आपके जो प्रियजन है, उनसे भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति आज हो सकती है। आपके संबंधों में प्रेम और आदर की भावना बनी रहेगी, परंतु दोपहर के बाद आप थोड़ा चिंता में रहेंगे, जिससे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। निजी संबंधियों के साथ कोई ऐसा प्रसंग बन सकता है जिससे मन दुखी हो। माता का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना भी जरा ज्यादा ही है। आप किसी भी जलाशय से दूर रहें, अपने आप को दूर रखें, जैसे कि तालाब, नदी, नहर इत्यादि। उपाय क्या करना है? उपाय करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जितना भी समय आपके पास है, 5 मिनट 10 मिनट वो आप करें। उससे आपके जो बुद्ध हैं वो मजबूत होंगे और आपको नौकरी या व्यापार में भी इससे लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपके लिए बनता है संतरी और शुभ अंक आपके लिए है 9 यानी कि 9। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ रह सकते हैं आज। परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार का कोई झगड़ा झंझट ना हो, उसके लिए थोड़ा अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। बोलने से पहले सोच समझ कर बोले। नकारात्मक मानसिकता बिल्कुल ना अपनाएं, वरना ये और अधिक आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। घर के सदस्यों के साथ आपकी कोई ऐसी गलतफहमी ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको। दोपहर के बाद आपके मन में जो गिलानी की जो छाया थी वो दूर होगी और आनंद का एक उजास सा छाएगा, एक आनंद की अनुभूति होगी आपको। नए कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, उन पर भी आप विजय हासिल करेंगे और यात्रा का भी योग बना हुआ है। उपाय क्या करना है आपको? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप आप करिएगा सुबह और शाम दोनों समय। पारिवारिक जीवन की बेहतरी अगर चाहते हैं तो शुभ रंग आपके लिए हरा है और शुभ अंक आपके लिए 7 यानी के 7। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन, आज का जो आपका दिन है वो मध्यम साबित होने जा रहा है। मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। सुख और संतोष का अनुभव भी आप करने वाले हैं आज। परिवारजनों के साथ आपका दिन आनंदपूर्ण रहेगा। आज आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है और दोपहर के बाद परिवार में किसी के साथ भी कुछ झगड़ा झंझट हो सकता है, उसका वातावरण बनेगा, इसलिए आपको रहना होगा सावधान और सचेत। इसलिए भ्रांतियां पहले ही दूर कर लीजिए। अनावश्यक खर्चों पर संयम बरतिएगा और शारीरिक स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है आज। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में थोड़ी बाधाएं, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय क्या किया जाए? उपाय किया जाए आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मित्रों, सूर्य चालीसा एवं सूर्यदेव की आरती अवश्य करें। शुभ रंग आपके लिए बनता है सफेद और शुभ अंक आपके लिए है 8 यानी के 8। धनु राशि यानी के सेजिटेरियस साइन, आज के दिन दुर्घटना या फिर कोई छोटी मोटी चोट लग सकती है, आपको संभल कर रहना है। आनंद प्रमोद के पीछे आपका धन खर्च होगा, मनोरंजन के पीछे। स्वभाव में भी थोड़ी सी उग्रता बनी रहेगी। संबंधियों के साथ भी थोड़ा जिसमें इंटरेस्ट ना हो आपको, ऐसी घटनाएं बन सकती हैं। दोपहर बाद
शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता और स्वस्थ सब आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। मित्रों और स्वजन यानी प्रियजन से उपहार मिलने से दिन आपका आनंदमयी रहेगा। परिवार का वातावरण बहुत ही प्रसन्नता भरा रहेगा। और उपाय क्या करें? आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सूर्य चालीसा का एवं सूर्यदेव की आरती का पाठ करिए। शुभ रंग आपके लिए है सलेटी और शुभ अंक आपके लिए बनता है 1 यानी के 1। मकर राशि यानी के कैप्रिकॉर्न साइन, आज का दिन व्यापार और उद्योग के लिए और व्यवसायिकों के व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा दिन है, लाभकारी दिन है, अनुकूल है। पुत्र और पत्नी से आज आपको लाभ की उम्मीद अच्छी खासी है। सांसारिक जीवन में सुखद प्रसन्न प्रसंग बनने से मन भी सुखी रहने वाला है आज आपका। और दोपहर बाद मानसिक अशांति और बुरा स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। बातचीत करते समय भ्रांति ना हो जाए, कोई मन में गलत फहमी ना बैठ जाए हो जाए, इसका भी आपको रखना है ध्यान। आनंद प्रमोद और मनोरंजन के पीछे धन का खर्च निश्चित रूप से होगा, फिर भी मान हानि होने की भी पूरी पूरी संभावना इसी के साथ साथ बन रही है। बेहतर होगा कि आप कोई भी काम करें बहुत सोच समझ के करें, किसी से भी बातचीत करते हैं बहुत सोच समझ के करें, चाहे घर में या समाज में या ऑफिस में। उपाय है संजय अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए अपने घर का मध्य स्थान जो जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं उसको आप साफ सुथरा हमेशा रखिए। उससे क्या होता है, जब आप अपने घर का जो सेंटर पॉइंट है जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, अगर आप उसको हमेशा साफ सुथरा रखेंगे तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, नेगेटिव एनर्जी समाप्त होगी। शुभ रंग आपके लिए है केसरी, शुभ अंक आपके लिए बनता है 6 यानी के 6। कुंभ राशि यानी के एक्वेरियस साइन, आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है धन के मामलों को लेकर के, और व्यवसायिक क्षेत्र में भी आज आपको अपने लाभ होने की संभावना बनी हुई है। आज आप कहीं मान सम्मान में आप कहीं अगर जाते हैं तो आपकी वृद्धि होगी, व्यवसाय या व्यापार में पदोन्नति होने की पूरी पूरी संभावना है। स्वास्थ्य आज आपका पूरे दिन बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। उगाही से आय बढ़ेगी, उगाही करेंगे तो आय बढ़ेगी। मित्रों से आज आपकी भेंट होगी जो आपके फ्रेंड्स हैं। सांसारिक जीवन में भी आपके रहेगा पूर्ण रूप से आनंद, और किसी मनोहर अच्छी जगह पे पर्यटक स्थान स्थल जिसको कहते हैं वहां पर आप घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ, और संतानों की संतोषजनक प्रगति से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। सांसारिक जीवन में भी आपके पूर्ण रूप से आनंद बना रहेगा। उपाय करना है, लव लाइफ को अगर चाहते हैं अपनी बेहतर बनाना और अधिक, तो उसके चलते पानी में तांबे का सिक्का अवश्य बहाएं। शुभ रंग आपके लिए है नीला, शुभ अंक आपके लिए 4 यानी के 4। लव लाइफ को अपनी बेहतर बनाने के लिए चलते पानी में तांबे का सिक्का अगर बहाते हैं तो यह आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहे। अंत में मीन राशि यानी के पाइसेस साइन, बौद्धिक तथा उससे संबंधित कोई भी कार्य जो भी आज आप करेंगे या जिस ऐसे कार्य में आप इन्वॉल्व रहेंगे उसको आप सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे, और नए कार्यों के आरंभ करने के लिए भी ये आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। कोई लंबी यात्रा या फिर धार्मिक यात्रा पर भी आज आप जा सकते हैं जिसमें किसी बड़े प्रतिष्ठान की भेंट भी आप लेंगे। विदेश में स्थित मित्र तथा स्नेही जनों से मेलजोल रहेगा। शरीर में उल्लास और थकान दोनों का अनुभव महसूस करने वाले हैं आज आप। बिना किसी विघ्न के आपके कार्य जो है वो पूर्ण रूप से संपन्न होंगे। विदेश में स्थित जो आपके मित्रजन या प्रियजन हैं उनसे आपका वार्तालाप होगा और कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है।
और उनके साथ आपका मिलना जुलना लगातार बना रहेगा। शरीर में उल्लास और थकान दोनों का ही अनुभव करेंगे आज आप, और बिना किसी विघ्न के आपके कार्य पूरे भी होंगे। आज का दिन धन के लाभ की पूरी पूरी संभावना बनती है आपके लिए, इसका आप पूर्ण रूप से फायदा लें। मित्रों से आपके धन का लाभ होने की भी पूरी संभावना है। उपाय क्या करना है? सफेद फूल कुछ पैसे सहित बहते जल में प्रवाह करें। ऐसा करने से सेहत बेहतर होगी, आपकी मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए है पीला, शुभ अंक आपके लिए है 8 यानी के 8। शुभ रंग आपके लिए है पीला और शुभ अंक आपके लिए है 8 यानी के 8। तो ये था साथियों दैनिक राशिफल, जिसकी चर्चा हमने मेष राशि से लेके और मीन राशि तक के जातकों के विषय में की है, और आपको ये बताने की हमने कोशिश थी हमारी कि आज का दिन ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति के आधार पर आपका कैसा रह सकता। अब समय आ गया है कि हम अपनी वाणी को विराम दें और अपने सभी प्रिय श्रोतागणों से इजाजत लें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।